हेलो दोस्तों दोस्तों कॉपीराइट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा ऑथर स्पेशल राइट्स दैट इज मॉरल राइट्स देख लेते हैं। तो इट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 57 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, और इसके बाद हम अमरनाथ सहगल केस भी देख लेंगे। इसका शुरू करते हैं, पहले ये देखते हैं। तो सेक्शन 57 में दोस्तों पहले तो ऑथर हम देख सकते हैं। इनफैक्ट सेक्शन 17 में ये कहता है कि ऑथर शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ अ कॉपीराइट, और ऑथर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। एक बार वो भी देख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क, एडाप्टेशन, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, आर्टिस्टिक वर्क, एक सेकेंड, कैलेंडर्स। ऑथर इज नॉट डिफाइंड हियर। ऑथर यहाँ पर ऑथर इन रिलेशन टू लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क मीन्स द ऑथर ऑफ द वर्क, म्यूजिकल वर्क कंपोजर, आर्टिस्टिक वर्क अदर देन फोटोग्राफ आर्टिस्ट को कहते हैं ऑथर। इन रिलेशन टू फोटोग्राफ, वो जो पर्सन जो कि फोटोग्राफ लिया है। इन रिलेशन टू सिनेमाटोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डिंग, इट्स द प्रोड्यूसर। और इन रिलेशन टू एनी लिटरेरी ड्रामेटिक आर्टिस्टिक वर्क विच इज कंप्यूटर जनरेटेड, द पर्सन हु कॉजेज द वर्क टू बी जनरेटेड, तो जिसने वो प्रोग्राम लिखा है जो वो यूज कर रहा है नहीं। तो और तो ये है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 57 पे, जो कि डील्स विद ऑथर्स स्पेशल राइट्स। तो जस्ट सेकेंड, तो अगर हम ऑथर स्पेशल राइट्स देखेंगे तो इसमें सबसे पहला कहता है कि ऑथर्स कॉपीराइट के अलावा इवन आफ्टर द असाइनमेंट, एक ऑथर ऑलरेडी असाइनमेंट कर दिया अगर होली और पार्शली, जो ऑथर ऑफ अ वर्क है, ऑथर विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2D, वो इट कहती है ऑथरशिप ऑफ द वर्क। तो अगर सपोज कोई किताब है और वो भले उसकी कॉपीराइट उसने असाइन कर दिया, मैंने कोई किताब लिखी है, लेकिन उस किताब पे ऑथर का नेम हमेशा मेरा ही रहेगा। टू रेस्ट्रेन और क्लेम डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन, मॉडिफिकेशन और अदर एक्ट इन रिलेशन टू द सेड वर्क, कब, विच इज डन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द कॉपीराइट। तो अगर कॉपीराइट का टर्म एक्सपायर कर गया है, जो कि मतलब डेथ के 60 साल हो चुके हैं, तो इससे पहले यह होना चाहिए। एंड एक और चीज प्रूव करना होगा, इफ सच डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन और मॉडिफिकेशन और अदर एक्ट प्रेजुडिशियल टू द ऑनर और रेपुटेशन, बिकॉज एन ऑथर इज उसकी अपनी जिंदगी तो छोड़ी, सम टोटल ऑफ हिज क्रिएशंस। तो अगर किसी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय किया, मतलब कुछ म्यूटिलेट किया गया, ये सही पता चला कि यार ये तो इतना बेकार बनाया, हो सकता है मैंने बहुत बढ़िया मैंने ड्राइंग बनाई होगी और इसी वजह से मेरी इज्जत है सोसाइटी में, कोई मेरी ड्राइंग को कोई म्यूटिलेट कर दिया और वो दिख रहा है तो उससे मतलब ऑब्वियसली हर्ट हुआ। प्रोवाइडेड दैट द ऑथर शैल नॉट हैव एनी राइट टू रेस्ट्रेन और क्लेम डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एडाप्टेशन, ये एक्सेप्शन, एडाप्टेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू विच, ये जो एक्सेप्शन है सेक्शन 52 में एक्सेप्शन आता है, वन वो जो फेयर यूज वाला। एक्सप्लेनेशन क्या है, अब सपोज मैं एक पेंटर हूँ या मैं एक स्कल्पचर बनाता हूँ, और मेरे स्कल्पचर को भारत सरकार ने खरीदा और वो भारत मंडपम में नहीं लगाया, उसको मान लीजिए लगा दिया पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग पे, तो मैं कहूँगा अरे यार ये क्या किए इससे मेरा वो, तो उससे नहीं, उसको नहीं कहूंगा कि भाई इट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ माई राइट। और ये आखिरी लाइन, ये भी द राइट कॉन्फर्ड बाई इट इज अदर एन इकोनॉमिक राइट, जो ऑथरशिप का वर्क है, और इट कैन बी एक्सरसाइज बाई माई लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज वेल। तो दोस्तों ये हमारे सेक्शन 57 पे डिस्कशन है, और इस पर एक इम्पॉर्टेंट केस आता है अमरनाथ सहगल का, वो इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करें अगली वीडियो में, तो वहां मिलते हैं दोस्तों।